बॉलीवुड रे चली कौन केते बेले प्रयोजकों ना आसुची सांघातिक अभियोग तो केते बेले प्रयोजकों फेक अकाउंट खोली अभिनेत्री को ब्लैकमेल करुछंती साइड आर्टिस्ट खबर रु हटुनी बॉलीवुड प्रयोजक संजय नायक एवं निर्देशक सुधांशु साहू को ना सोशल मीडिया रे फेक अकाउंट खोली अभिनेत्री सह चैटिंग घटना चैटिंग एवं वीडियो कॉल करी बंधा हला कटक सदर थाना कुदसाही अंचल मिथुन भोई मिथुन पेशारे जड़े सह कलाकार भाव कार्य करे अभियुक्त मिथुन प्रयोजक एवं निर्देशकों फोटो रखी एकाधिक अभिनेत्री अश्लील चैटिंग करने वीडियो कॉल करी ब्लैकमेलिंग करुथला बोली पुलिस कहिछि तांको फोटो व्यवहार करी आमर जी अभियुक्त जी अच्छा मिथुन भोई से विभिन्न चलचित्र जगतर एवं टेली सीरियल अभिनय करथुवा अभिनेत्री मानक पाकु अश्लील वीडियो कॉल करथुले एवं ई केस रो तदंत समय आमे जानिया को पाइलु जे ए जो मिथुन भोई आमर जी अक्यूज अछंती से तांकर निजो विभिन्न सिम तांको पाख पड़ोसी रहुथुवा लोकंगुठु माने भरी चालाकर सहित तांको नंबर आनी से नंबर रे व्हाट्सएप यूज करिकरी सुधांशु बाबू को फोटो रखिकरी से फोटो जरिया रे विभिन्न अभिनेत्री मानक पाकु एवं टेली सीरियल जो अभिनय करथुले से अभिनेत्री मानक पाकु अश्लील वीडियो कॉल करथुले अभियुक्त मिथुन भोई गत दुई मास हेबो विभिन्न सिम व्यवहार करी फिल्म रे एवं सीरियल रे चांस देबो बोली प्रथमे कथा उठले परे ऑडियो एवं वीडियो कॉल करथुले तबे एक कथा निर्देशक जानिबा परे कटक साइबर थाना रो द्वारा सोइथले अभियोग आधारे साइबर थाना पुलिस अभियुक्त को गिरफ करी कोर्ट चालान करिछि अभियुक्तक थारु दुईटी मोबाइल एवं तीनोटी सिम जबत करिछि पुलिस तबे अभियुक्त कहिछि मते फसेइ दिया जाइछि मु निर्दोष एवं तदन समय आमे तांको गिरफ करिछु आजि तांको कोर्ट चालान करा जिवो एवं तदन समय से व्यवहार करथिया मोबाइल फोन मध्ये जबत करा जाइछि ए संक्रांत जो केस हेछि 29 नंबर केस हेछि 22/7/2023 अंडर सेक्शन 419 आउ 66 सी 66 डी परे ता 354 ए आउ 67 आईटी एक्ट मध्ये अपराध रे से संपृक्ति अछि अपन नंबर देखंतु नंबर चेक करंतु से नंबर कोनोसी प्रकार इलीगली नाही मैडम भी अछंती मैडम भी कहिबे से नंबर कोनोसी प्रकार इलीगली नाही मैडम घर जो दुटा सिम पाइछंती मोबाइल पाइछंती से मो सिम रे मो कोनोसी प्रकार इलीगली नाही मैडम भी देखिबे पूर्वर पुलिस अभियुक्तंकु नोटिस करी छाडीथिबा बेले आज तांकु गिरफ करी कोर्ट चालान करिछि कटकरु कैमरा पर्सन सुब्रत का सह विश्वजीत दास का रिपोर्ट अर्गस न्यूज़।